अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे चना बूटी। इसके लिए हम पहले टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक मिक्सर जार में टमाटर को काट के डाल देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम तेज़पत्ता और दालचीनी भी ऐड कर देंगे, साथ में प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हमने पहले से काट कर रखा था बारीक, चला लेंगे। अब इसमें हम अपना गोश्त भी डाल देंगे। गोश्त को हमने चना बोटी के साइज़ में ही काटा है बोलने से, ये इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और साथ ही में छोले मसाला भी ऐड करेंगे, जो रेडीमेड छोले मसाला आता है वही। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपने पिसे हुए टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसमें हम चने डाल देंगे। चने के हमने पहले से भिगा कर रखा था। ये काबुली चना है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, इसको हमने बीच से काट लिया है। और साथ ही में इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसको चला लेंगे। और हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको ढक्कन लगाकर 5 सीटी आने तक पकाएंगे। फिर इसके बाद इसको 10 मिनट स्लो पे पकाएंगे। फिर खोलकर देख लेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। हमारा गोश्त गला हुआ है। अब इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक।